कुछ कंपनीज ने कुछ गलत कर दिया, तो वो चीज हम दिखाएंगे जरूर आपको हमारे ब्लॉग के अंदर, बताएंगे उसके बारे में भी. आज मुंबई टूर के अंदर हमारे साथ में आया गौरांश, जो हैकर मीट का फर्स्ट पोजीशन पर आए थे. इन्होंने स्कोर करा था और बहुत अच्छा लग रहा है गौरांश से. काफ़ी एक साल हो गया गौरांश मिलने की कुछ कर रहे करते. सो एक साल से गौरांश काफ़ी टाइम मैं अप्रोच कर रहा था, सर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो मन लगे बिल्कुल मिलेंगे, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था. और एक्चुअल में ना कोविड के टाइम पर इतना हो नहीं पा रहा था, और फाइनली ऐसा बैठा कि अभी हम लोग आए. हाँ, सो गौरांश फाइनली हमसे मिल चुका है बहुत दिनों के बाद. है गौरांश एक साल और कुछ 10-15-20 दिन हुए होंगे आराम से ना. ये लास्ट मार्च में हम लोग आए थे, और ना इस टाइम से अप्रैल 5 अप्रैल से आए, पता है क्योंकि उस दिन से ना करता वो घर में क्या बिल्डिंग सील होती, BMC ने इसकी बिल्डिंग सील करी थी. तो उसके बाद मुझे ट्राई कर रहा था, तो फाइनली आज हम मिल लिए, और आज अच्छी लंबी बात करी, काफ़ी लंबी. इसने पूरा ज्ञान मुझसे ले लिया एक ही बार में ना, कि सर ये बताओ वो बताओ वो बताओ. एंड रिद्धि की मीटिंग चल रही थी, इससे कह रिद्धि एक घंटे से अपना मीटिंग अटेंड कर रही थी, अभी कंप्लीट हो गया, तो रिद्धि वापस से ज्वाइन कर लिया हम लोगों को. तो अभी गौरांश साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा, और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया. हाँ, और ये आया तो हमने इसी बहाने ब्रेकफास्ट भी हमारा हो गया, वरना हम लोग प्लान में थे कि हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे आज. हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आज मिलके गौरांश, थैंक यू सो मच गौरांश मिलने के लिए. ठीक है ना, तो बहुत गौरांश बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम भी मिलना. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और फिर ना साथ ही घर पर चलेंगे अपन, है ना, क्या बढ़िया रहेगा. चलो अभी गौरांश निकल रहा है, गौरांश का भी एग्ज़ाम है, तो भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा मिलना, अच्छे चिटिंग करना, मतलब ऑल द बेस्ट बोला मैंने उसको. ठीक है ना, क्योंकि आज ऑनलाइन एग्जाम जैसे होता है ना भाई, कि मतलब इधर गूगल के गूगल खुलता है, और फिर अच्छा कैसे ऑप्शनल पेपर है, कैसा है ऑप्शनल, फिर तो कह रही है, तो तुम्हें पता है कि कैसा बनने वाला है, कैसा होने वाला है, तो अच्छी बात है. ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं है ना. गुराज ने बताया मुझे अपना दर्द की भाई ऑनलाइन एग्जाम के अंदर ऑन रहेगा क्या. हां, ओ फिर देख करते, फिर आगे तो नहीं कर सकते, कीबोर्ड पे एक्सेस नहीं कर सकते ना, बंद हो जाता है. अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, चलो बड़ा होते का सब इसको ऑल द बेस्ट बोल दो आज, ऑल द बेस्ट, क्योंकि आज पेपर पढ़ना पड़ेगा भाई को, है ना, डेंजरस होने वाला है. चलो आज दिन यही करते हैं, बस ओके बाय. तो निकलने का टाइम आ गया, फटाफट निकलते हैं यहाँ से, कहाँ बांद्रा के लिए. हाँ, बांद्रा जाएंगे, एंड फिर वहीं से हमारी ट्रेन है, तो हम लोग फिर कोटा के लिए निकल जाएंगे. और फिर यहाँ भैया ने पूछा, भैया आप लोग ब्लॉगर होगी, एक सब्सक्राइबर जो था वो हमसे यहाँ मिलने आया था, पिछले एक साल से अप्रोच कर रहा था मैं, पर मिलने पर टाइम नहीं हो बैठ पा रहा था, तो आज फाइनली आया. और उसको काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट कराया आपने, देखा था अभी. हाँ, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट कराया भाई, हैवी करके गया है. ठीक है ना, तो भाई लोगों ने पूछा कि भाई आप ब्लॉगर हो, मैंने लगा कि हाँ ब्लॉगर, मैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके यहीं पर आते हैं, मतलब कंपनी का हमारे इधर का ही रहता है हमेशा, तो अंधेरी में ऑफिस है हमारे, तो इसके लिए यहीं पे रखते हैं हमेशा अकोमोडेशन. ठीक है, चलो फटाफट निकलते हैं, फिर बांद्रा पहुँचते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे. भाई आपका नाम फैजल, आप ही फैजल लिखे जिससे आप मेरी बात हुई थी बुकिंग के लिए. बुकिंग के लिए मैंने बात करी थी आपसे. अच्छा, कभी देखा नहीं लास्ट टाइम. जब भी मुंबई का ट्रिप लगता है हम लोग इसी होटल में रुकते हैं. हाँ, काफ़ी अच्छा नाइस अकोमोडेशन रहता है इनका, बढ़िया, और हम तो सैटिस्फाइड. सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, और स्टेशन के पास ही है, तो ज़्यादा बेटर रहता है. तो कभी भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत बढ़िया होटल, बार का फोटो दे दूंगा मैं आपको, कभी लगे तो यहाँ पे विजिट करें आप. तो भाई अभी चलने का समय आ गया, और भाई थैंक कर भी, हाँ ऑटो बुक करना है यार, ऑटो बुक करना है, ओला बुक करते हैं, ओला तो वहाँ से निकलेंगे. तो मतलब मेरी कैब आ चुकी है, रिद्धि यहाँ पानी की बोतल ले रही है, और ना भैया हमें छोड़ना है, तो भैया ने बोला कि भाई बाहर तक छोड़ने चलते हैं. थैंक यू भैया, थैंक यू. अभी काफ़ी पूछ रहे थे कि आप कैब से भी नहीं जा रहे, ऑटो से जाने का रीज़न है, रिद्धि ने हमने बताया उनको, थोड़ा पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि कैब वगैरह में टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत गर्मी लगती है ना, तो इस वजह से बेटर है कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंचे. तो हमने ऑटो ले लिया, और वहाँ पहुँच के भी फिर ना गर्मी में घूमना है, तो भाई टेम्परेचर बार बार वेरिएशन होता है, दिक्कत आती है, इससे बेटर है कि आप ऑटो में चले और अच्छे से जल्दी पहुँचे. तो फटाफट चल रहे हैं बांद्रा लिंक रोड पे, ठीक है ना, एज एक्सपेक्टेड शॉपिंग, और फिर वहाँ पे कुछ खाना खाएंगे, फिर निकल जाएंगे, फटाफट निकलेंगे वहाँ से. Worse, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the man with the sad, heaven, man, she's so bad.
इतनी ज़्यादा है यहाँ पे और हम लोग थक गए घूमते घूमते, तो अब हम स्टेशन जा रहे हैं और सोच रहे हैं जस्ट गन्ने का जूस पी लें फटाफट। भाई गर्मी बहुत है मुंबई के अंदर, तो अगर आप दिख रहे हैं तो भी बताओ गर्मी में बिल्कुल भी मत आना, ना शॉपिंग में मन लगेगा ना किसी चीज़ में मन लगेगा। हाँ तो फटाफट अभी जो है हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कर रही कर रही ठीक है ना, तो अभी निकलने का टाइम आ रहा है, फिर मैं क्लाइंट से बातें वगैरह चल रही थी, अभी एक मीटिंग फिनिश ही करी है और अब हम लोग बांद्रा के लिंक रोड पे आए थे पर कुछ समझ नहीं आया बहुत गर्मी की वजह से, तो हम लोग निकल रहे हैं। कुछ कंपनी ने कुछ गलत कर दिया तो वो चीज़ हम दिखाएंगे जरूर आपको, हमारे ब्लॉग के अंदर बताएंगे उसके बारे में भी। तो पहुंच गया हमारा बांद्रा टर्मिनस और अभी निकलने का समय आ गया है, तो गर्मी बहुत भयंकर हो रही है तो उसके लिए दही खाया जा रहा है। बिल्कुल खाने का मन नहीं है, कल भी हम लोगों ने लंच नहीं किया था और आज तो लंच करने का टाइम ही नहीं मिला, तो हम अभी दही खा रहे थे, बहुत टेस्टी दही है और उससे काफ़ी ठंडक मिली, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब है ना बस मुंबई पहुंचने का, मतलब मुंबई से निकल रहे हैं कोटा पहुंचने वाले हैं, बस ट्रेन में बैठेंगे और फिर उसका सीधे कोटा। भाई इतनी गर्मी थी, हालत ख़राब हो गई, अब कुछ लग नहीं रहा कि कुछ रिकॉर्ड कर पाएंगे क्योंकि इसलिए हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। हालांकि बाहर इतनी गर्मी है लेकिन एसी कोच है तो अंदर देखते हैं हम लोग अगर बना पाए तो, अदरवाइज अभी तो इतने थक गए हैं कि अब बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं। सोएंगे भाई, सोएंगे। तो उसके बारे में मतलब जो हमारा ट्रिप का जो है ना रिव्यू था वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे, ऑफिस ब्लॉग के अंदर कि हमारा इसका जो हमारा आउटपुट था वो क्या रहा और कि इनके क्लाइंट से हम लोग ने बात करी और उनका आउटपुट क्या रहा, उनका क्या कहना था हमारा क्या कहना था, तो उस पूरे पे डिस्कशन करके हम आपको बताएंगे। और अब नेक्स्ट प्लान हमारा पुणे का रहेगा, वहाँ पे भी एक दो क्लाइंट से हमसे मिलने का, पर देखते हैं कब जाएंगे। तो बहुत जल्द हम लोग पुणे वाले से मिलने वाले और यहाँ पे बहुत तेज आवाज़ आ चुकी है, चलो फिर निकलते, फटाफट आवाज़ आ रही होगी भयंकर है ना। तो अगर अच्छा लगा है ब्लॉग को तो ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट भी ना भूलें, प्लीज जल्दी से कर लीजिएगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस ब्लॉग इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।